हेलो, वेलकम बैक गाइस टू इंडियन बाइक 3D गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA एंड्रॉइड 3D गेम, जिसमें फोर डिफरेंट चैलेंजेस को हम फेस करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से गेम को शुरू करते हैं। यार, शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार, अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से कर दो। तो लेट्स गो अपनी गेम पे। हम यहाँ पर आ चुके हैं एक जुरासिक पार्क में, जो कि हमारे ऊपर डायनासोर अटैक करने वाला है और हम भी इस डायनासोर को मारने वाले हैं। यार, तो आइए हम चलते हैं। डायनासोर को किस तरह मारते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने जैसे ही एक राइफल निकालनी है और यहाँ से फटाफट से इसको ना एक फायर मारने है। लेकिन अगर आपने इस पर अगर पेट पे मारा तो ये मर जाएगी, अदरवाइज़ ये नहीं मरेगी। ये देखें भाई, ये तो चली गई, ये गई काम से। लेकिन इसमें ग्लिच ये है कि ये देखो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, और ये तीन चार गोलियों में मर गई और ये गाड़ी के ऊपर गिरी है जबकि गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। यार, अब यहाँ पर इनको मिसाइल से कुछ होता नहीं है। इवन देखो, ये छोटा सा बच्चा आ गया बीच में, इसको मारूंगा फिर भी यहीं से गुजर जाएगा। यार, मतलब क्या है ये। तो चलो हम इसको दोबारा से फायर मारते हैं, ये फायर से जल्दी मर जाएगा। तो इनके अम्मा को पता चल चुका है, ये इसकी अम्मा भी आ रही है। आजो आजो, मैं आपको भी बताता हूँ ये कैसे मरोगी आप। ओ भाई, आ कैसे रही है, तो डांस कर रही है, आ रही है। तो चलो दूसरी को भी देखते हैं यार, वो भी वहाँ से डांस करते हुए आएगी। ओ माय गॉड, ये भी अच्छी डांस कर रही है यार, मतलब ज़बरदस्त है यार। ये शादी वादी में काम आने वाली है, पर ये दोनों उधर ही की उधर ही ढेर हो गई। चलते हैं हम दूसरी जुरासिक पार्क में अपना डायनासोर को मारने। यहाँ पर दो और बहनें खड़ी हैं एक साथ, ये दोनों बहनों को हमने एक साथ मारना है। तो इन पर फायर करता हूँ मैं। यार, मेरे को कुछ कर क्यों नहीं रही, ये ऐसी की ऐसी घूम रही है यार। मतलब इस टाइम होती ना यार ये सच में, तो शायद ये मतलब किसी भी जानवर को मतलब नहीं छोड़ती, तो हम इसको नहीं छोड़ते फिलहाल। तो यार ये मर क्यों नहीं रही, दोनों बहनें कुछ लग रहा है दूध दूध पी के आई हैं। चलो इसको भी एक साथ मारते हैं। चल बेटा, तू भी लेट जा, ये भी लेट चुकी है फाइनल। गाइस, देख सकते हो आप, दोनों का मुंह खुला हुआ है लेकिन उसका पिछली तरफ मुंह चला गया है। कितनी बड़ी लग रही है भाई, और उसका पूछ तो देखो। ओ माय गॉड, ये तो अंदर से मैं क्रॉस हो चुका हूँ, ये क्या सीन है भाई। और पूछ तो देखो इतनी लंबी, वाओ। और यहाँ पर हमने फाइनली यहाँ पर फाइंड किए इनके एग, तो हम इसको ब्लास्ट करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं, तोड़ के हम इसको खाने वाले हैं। लेकिन यार टूट नहीं रही है। ओ माय गॉड, मिसाइल से भी इनको कुछ भी नहीं हुआ। तो चलो हम इसको यहाँ पर स्टिक बम से ब्लास्ट करने वाले हैं। तो फाइनली गाइज, हमने स्टिक बम तो सारे लगा दिए, मुझे लग रहा है चूरा चूर हो चुके होंगे। अगर ना हुए ना तो फिर मतलब क्या, मतलब भाई ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ अंडों को, यानी ये क्या, मैं पागल हूँ भाई, मुझे मारो यार। भाई ये किसी ने ईंटे रख दिए या अंडे रख दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, टूटे कैसे नहीं है। इससे अच्छा हम जोम्बी से मरते भाई। चलो हम जोम्बी के पास आ रहे हैं और जोम्बी को मिसाइल से इतना मारेंगे जोम्बी पागल हो जाएंगे। ओ माय गॉड, ये क्या, जोम्बी तो उड़ रहे हैं भाई यहाँ पर। तो हम इनको ना यार ऐसे करते हैं, पायल से मारते हैं या फिर गाड़ी से मारते हैं यहाँ। तो अपनी कार फॉर्च्यूनर को फाइनली हमने स्पॉन कर लिया है और यहाँ पर मैं जोम्बी का ना कीमा बनाने वाला हूँ, जो कि इनको ही खिलाऊंगा। चलो चलते हैं। तो फाइनली गाइज, हम जोम्बीज के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं, लेकिन गाड़ी खुद ही टुकड़े टुकड़े हो रही है। ये कार है, अखबार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या, मतलब कैसे जा रहा है कुछ भी। ये डिक्की विक्की दरवाजे वरवाजे सारे तो टूट चुके हैं भाई इसके, मतलब आप इसको देखो तो मतलब डेंट वेंट तो आया नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पर गाड़ी में इतना सा डेंट नहीं आया, लेकिन गाड़ी तो सारी टूट गई, मतलब ये टूट चुकी है भाई। देखो यहाँ पर मतलब इसमें डेंट वेंट नहीं आता, ये डायरेक्ट टूट जाती है। और इतना कागज़ का टुकड़ा है यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो सामने एरोप्लेन भी, वो भी कागज़ का टुकड़ा ही लग रहा है मुझे, मतलब दोनों को लगी एक साथ, दोनों जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर गाइज उतर जाना है, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ज़ॉम्बी तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, इनको मैं रेफलों से मारूंगा। ओ माय गॉड, ये जोम्बीज हैं, आत्मा के बच्चे हैं, ये मर क्यों नहीं रहे। मुझे तो इस गेम में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं जोम्बीज के एक्स को फायर मार रहा हूँ भाई। तो हम इनको उड़ाने वाले हैं मिसाइल के साथ, क्योंकि ये डीट भी तो है लेकिन डीट भी साथ में है। ओ माय गॉड, मिसाइल के चक्कर में हम भी मर गए। तो फटाफट से चलते हैं अब अपनी लेम्बोर्गिनी कार में और इनको मारते हैं, ऐसा कि इनको पता चले आज। इनको इतना मारते हैं। लेम्बोर्गिनी एक बहुत अच्छी गाड़ी है यार, मतलब वजन वाली गाड़ी है यार, मतलब उससे फॉर्चुनर से तो बहुत अच्छी गाड़ी है यार ये। ये देखो कितने मारी। ओ माय गॉड, ये भी फंस गया। तो हम फाइनली गाइस इनको स्टिक बम से मारने वाले हैं। अब इतने सारे स्टिक बम मैंने लगा दिए हैं यहाँ पर, और जैसे ही ये आएंगे तो मैंने इनको ब्लास्ट कर देना है। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है धमाका।
मतलब अमेजिंग था यार। मतलब ये स्टिक बॉम्ब एक ख़त्म नहीं होते, जितनी बार चाहो बस इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इनको पीछे लेकर आ रहा हूँ और जैसे ही ये आएंगे तो मैंने इनको एक्टिव कर देना है बॉम्ब्स को। ये देखो भैया कितना प्यारा लग रहा है, यानी आधे से ज़्यादा ज़ॉम्बी तो मैंने इधर ही किल कर दिया है। तो चलो भाई एक और बार ब्लास्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी लैग हो रही है गेम। ये देखो मतलब ज़ॉम्बी तो ऑल के ऑल बरी चले गए हैं। अब इनको हम मारते हैं यहाँ पर मिसाइल से, एक तो बच गया। ये ले भाई तू भी जा, तू भी जा, को लगा नहीं। चलो भाई अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ मैं करने क्या वाला हूँ तुम्हारे साथ। यार इतने सारे हैं, मतलब मैं इनको कैसे मारूँगा यार। ज़ॉम्बी मूड जो है ना, मतलब एक बड़ी 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 ख़तरनाक चीज़ है। अगर आपने खेलना हो ना इसमें बहुत ही इंजॉय है। और ये सबसे पहले जो यहाँ पे स्पॉन होते हैं ना वो एयरपोर्ट पे उड़ना शुरू हो जाते हैं। देखो कितने सारे हैं, ओह माय गॉड, इन्होंने तो मेरे को मार ही दिया। तो हम यहाँ पर अभी मेगा रैंप करने वाले हैं फटाफट से अपनी प्यारी सी लैम्बोर्गिनी कार में, जो कि नया मॉडल है यार। इसकी स्पीड तो चेक करो, मतलब ये पहले से ही 60+ है भाई। यानी ये चल भी नहीं रही फिर भी इसकी 60+ स्पीड बता रही है। या फिर मेरे ख्याल से इसका मीटर ख़राब है, या फिर इन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा के रखी हुई है। बहरहाल रफ्तार तो बहुत अच्छी जा रही है भाई इसकी। इतना बड़ा जंप मार रही है यार, ये गिरेगी तो मेरे ख्याल से टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं, क्योंकि ये बनी हुई एक कागज़ के टुकड़े के हिसाब से है। नहीं यार ये फॉर्च्यूनर नहीं है भाई, अब तो गाड़ी गई काम से। ओह माय गॉड, कितना मतलब ज़बरदस्त तरीके से एक टकरा गई हमारी गाड़ी। वाह मेगा रैम जंप, वाकई मेगा है भाई। अभी हम एक दूसरा जंप मारने वाले हैं यहाँ पे। गाइस देखना ये कितना प्यारा जंप है, मतलब दोनों व्यू हम कर सकते हैं, एक फर्स्ट पर्सन और एक सेकंड पर्सन। तो लिटरली गाइस मुझे इस गेम के अंदर जो सबसे सीन अच्छा लगा वो था ट्रेन वाला, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गाड़ियों को ब्लास्ट करती है। तो आप भी देखो कितना मतलब इंजॉयफुल ये वीडियो है। देखते हैं कि इसको ट्रेन को रोक पाती है कि नहीं। माय गॉड भाई ट्रेन को रोक तो नहीं पा रही है, ट्रेन उनको लेके जा रही है। दो हेलीकॉप्टर है यार, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा इनसे। बाय द वे इस ट्रेन का जो लुक है वो बिल्कुल GTA 5 की तरह है, लेकिन ये जो बंदा इसमें लग रहा है वो मर क्यों नहीं रहा, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। अबे भाई ये बंदा मर क्यों नहीं रहा, GTA 5 में तो ऐसा होता नहीं है। तो लिटरली गाइस मैं एक चीज़ ट्राई करने वाला हूँ जो कि GTA 5 पे तो रियल ही शो होती है, इस पर भी हम चेक करते हैं। हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर पर बैठ चुके हैं और इसको मैं ऑन करके यहाँ पर जो ना ऊपर पंखों पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा बंदे को। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।